नमस्ते, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं माई स्मार्ट टीवी। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर की फिजिक्स के टॉप क्वेश्चन के बारे में, जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एग्जाम में आपको आसानी से 10 से 15 नंबर दिला देंगे। अभी हम फिलहाल में दोस्तों हम 14 ही क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसके बाद में जैसे जैसे हमारा आप सहयोग कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, तो हम आगे भी क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है। दोस्तों इसका जवाब होगा ई क्रॉस गुना बी क्रॉस के समानांतर। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 2017 में और 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईपी क्वेश्चन है, वीवीआईपी सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 KeV है। यह पूछ रहा है दोस्तों, यह विकिरण किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका जवाब होगा दोस्तों एक्स किरण से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर साइड में जितना भी लिखा है दोस्तों कब कब एग्जाम में पूछा है मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में जो पूछा जा चुका है। तरंग के कलांतर फाई का पथांतर, दोस्तों मैं क्वेश्चन का फिर से पढ़ता हूँ, तरंग के कलांतर फाई के पथांतर डेल्टा एक्स से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा, देखिए लेमडा बटा में 2π φ हो जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है। ठीक है, इसका जवाब होगा लेमडा बटा में 2π φ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। अगला है दोस्तों, विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है। दोस्तों इसका जवाब होगा एम्पियर। एम्पियर को क्या से डोनेट करते हैं, ए से। दोस्तों एग्जाम में ऑप्शन में दे देगा ए दे देगा, नहीं तो एम्पियर दे देगा, तो आप दोनों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन फिजिक्स का, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। दोस्तों अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है, इन्फिनिटिव होती है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों अनुप्रस्थ होती है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों बोर्ड पर अनुप्रस्थ होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछ देगा एग्जाम में। ठीक है, अगला दोस्तों, किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ऑप्शन देगा दोस्तों कांच, पानी, लोहा, हीरा, तो दे देगा निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक है सबसे कम होता है। तो ऑप्शन है दोस्तों कांच, पानी, लोहा, हीरा, तो जवाब हो जाएगा दोस्तों हीरा। ठीक है, हीरा इसका जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तब इसका तरंग दैर्ध्य घटता है। यानी पूछेगा क्वेश्चन दोस्तों, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तब इसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, बढ़ता है, या स्थिर रहता है, या अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन दोस्तों ऐसे प्रकार से देगा तो इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा घटता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2013 में, 15 में, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 2021 के एग्जाम में भी पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको जरूर से आप याद करिए। नौवां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह कैसा हो जाता है। यह कम अपसारी हो जाता है। क्या हो जाता है, कम अपसारी, 2016 में पूछा जा चुका है एनुअल एग्जाम में। ठीक है, अगला तो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेंस की क्षमता का मात्रक पूछ देगा क्या होता है। ये डायोप्टर होता है, डायोप्टर यानी डी। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन 11, लाल शर्ट पर नीला प्रकाश डालने, मान के चलिए मैंने ये शर्ट पे जो पहना है दोस्तों स्वेट शर्ट, ये लाल रंग का पहना हुआ हूँ। ठीक है, अगर इस पर अगर नीला प्रकाश डालिएगा तो कैसा दिखाई दे देगा, ये काला दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक वेदन क्षमता किसकी होती है। ऑप्शन दे देगा, वेदन क्षमता मतलब दोस्तों किसकी सबसे ज्यादा होती है, एक्स किरने, कैथोड किरने, अल्फा या गामा किरने। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों गामा किरने, ध्यान दीजिएगा गामा किरने, ऑप्शन यही देगा दोस्तों। वेदन क्षमता सबसे किसकी ज्यादा होती है, ठीक है, तो गामा किरने की होती है। अगला है दोस्तों, पानी के भीतर एक हवा का बुलबुला कैसा कार्य करेगा। पानी के भीतर हवा का बुलबुला कैसा कार्य करेगा, तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में हमें बताइएगा, इसलिए आपके लिए मैंने इसको छोड़ दिया है। ठीक है, 14 नंबर दोस्तों और आज का आखिरी क्वेश्चन, देखिए आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कभी कभी प्रकीर्णन नहीं देता है तो दोस्तों दे देगा फैलाव, यहाँ पर मैंने लिख दिया है फैलाव, तो कभी कभी फैलाव भी दे देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रकाश के प्रकीर्णन या फैलाव के कारण नीला दिखाई देता है आकाश। आज के दोस्तों वीडियो में इतना ही रखते हैं क्वेश्चन, वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तैयारी अच्छे से कीजिएगा, हमारे चैनल के माध्यम से भी तैयारी कराया जाएगा। धन्यवाद।